हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लिविड केमिस्ट्री। तो बच्चों आइए इस रिएक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? अनसिमेट्रिकल। ये कैसा केस है बच्चों? अनसिमेट्रिकल केस। अभी इसमें मूवमेंट जो कराएंगे उसमें ये देखिए किसमें प्लस आई किसका ज़्यादा होता है। बच्चों ध्यान रखना है कि प्लस आई जो होता है थ्री मेंबर रिंग से ज़्यादा होता है फोर मेंबर रिंग का, और फिर होता है फाइव मेंबर रिंग का, और इससे ज़्यादा होता है आपका सिक्स मेंबर रिंग का। तो यहाँ जो केस दिया है किसका प्लस आई ज़्यादा होगा? फाइव मेंबर का, और इसका प्लस आई कम होगा। देख लीजिए ये फाइव मेंबर है और ये फोर मेंबर है। सबसे पहले स्टेप में देखिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर मूव कर जाएंगे? वो मूव कर जाएंगे बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर मूव कर जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव, और यहाँ से लिया गया एच प्लस को, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, ये प्लस वाला तो यहाँ अटैचमेंट लेगा और ये फाइनली आपको कार्बोनियम आयन जनरेट करके देगा बच्चों। तो ये आ गया प्लस, देखिए यहाँ आ गया कंप्लीट पॉजिटिव, और ये आपको मिल गया फोर मेंबर रिंग। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब फोर मेंबर रिंग के आगे प्लस हो तो ये केस कौन सा आ गया? वन टू बॉन्ड शिफ्ट का। कौन सा केस आ गया बच्चों? वन टू बॉन्ड शिफ्ट का केस आ गया बच्चों। ये आपको अब ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ एक्सपेंशन होने वाला है बच्चों। तो ये होगा एक्सपेंशन इसका। तो अब क्या करेंगे, इसे बनाइए वन, इसे बनाइए टू, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से टूट जाएगा, तो ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। देखिए क्या होने वाला, पहले बनाइए फाइव फाइव मेंबर ड्रिंक, ये बन गया। इसके बाद ये पॉजिटिव बच्चों, ये देखिए ये हो गया आपका नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है बच्चों। तो ये हो गया वन, ये हो गया देखिए ये हो गया वन, ये हो गया टू। अब देखिए इस नेगेटिव से पॉजिटिव का कैंसिल, और ये बना दीजिए यहाँ पे, ये वन बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बना फाइव मेंबर, और यहाँ हो गया ये देखिए ये हो गया बच्चों। तो यार चेक कीजिए अब पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है। अब देखिएगा ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव, ये भी कैसा बन गया, फाइव मेंबर्ड बन गया। तो बना देते हैं, चलिए देखिए इसे फाइव मेंबर्ड बना देते हैं बच्चों। इसे अरेंज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर ये आ गया प्लस। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए फाइव मेंबर से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, प्लस। देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए प्लस। तो क्या ये फर्दर केस किसका बन गया, वन टू बॉन्ड शिफ्ट मतलब एक्सपेंशन का। तो आइए एक्सपेंड कराते हैं बच्चों, वन टू बॉन्ड शिफ्ट, और ये किसका केस बन गया, ये किसका केस बन गया बच्चों, एक्सपेंशन का। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर इसे बनाइए वन और इसे बनाइए टू, तो इसे बनाइए पॉजिटिव और यहाँ से तोड़ लीजिए इसे बनाइए नेगेटिव। अब इस बॉन्ड को मैं तोड़ने जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये आ गया बच्चों। अब ये तो फाइव मेंबर ही रहा, ये देखिए अब ये है पॉजिटिव, तो ये तो हो गया कंप्लीट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया वन टू, और ये आपने हो गया क्या होगा इस पॉजिटिव से निगेटिव कैंसिल, और ये जो है बच्चों यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। देखिए ध्यान से, अब देखिए अब यहाँ ये बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों देखिए ये बन गया फाइव मेंबर, और इसे यहाँ से मिला दीजिए, तो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इसे अरेंज कर लेते हैं, अब प्लस कहाँ है, प्लस जनरेट हुआ है यहाँ।
देखिए इस वाले को मैं सिक्स मेंबर बना देता हूँ, ये बन गया बच्चों हमारा सिक्स मेंबर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और ये बना है 5, तो इसे बना लीजिए 5। ये देखिए ये 5 मेंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और प्लस कहाँ जनरेट हुआ, प्लस यहाँ। तो चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे इसे आप ऐसे बना दीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा, देखिए इसका जो आंसर आएगा आप अटैचमेंट यहाँ दे दीजिए सीएल का, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों ही सही है बच्चों। आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, देखिए चाहे ऐसे बना दीजिए चाहे ऐसे बना, दोनों ही सेम है। तो बच्चों ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।